हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे सोनी A58 कैमरा अगर आपने अभी अभी नया नया ख़रीदा है तो क्या बेस्ट सेटिंग रहेगी आपके लिए फ़ोटोग्राफी करने के लिए, और अगर आप इससे फ़ोटोज़ के अलावा मूवी को भी रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कैसे सबसे ईजिली बेस्ट सेटिंग रख के आप इस कैमरे से बेहतरीन फ़ोटोज़ और वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ जो सिंपल सेटिंग, जो बेसिक सेटिंग है जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा इस कैमरा में, सिर्फ उनकी बात करेंगे। उसके अलावा इसका पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि कौन से बटन से क्या काम होता है गाइस, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक कैमरा के इन डेप्थ ट्यूटोरियल, सब कैमरा के और लेंसेज के जेन्युइन रिव्यूज़ सब मिलेंगे यहाँ पर। तो गाइस कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो दिखने में ये कैमरा कुछ ऐसा दिखता है यार, मैं आपको दिखा देता हूँ। A58 लिखा हुआ है यहाँ पे, AF और MF का स्विच है। तो अगर आप इसको AF पे डालोगे तो आपका कैमरा ऑटो फोकस करेगा, अगर आप इसको MF पे डालोगे तो ये सिर्फ मैनुअली फोकस करेगा। उसके अलावा कैमरा की बॉडी में आप यहाँ भी देख सकते हैं AF और MF का स्विच है। अगर आपने इसको MF पे डाल दिया तो आपका कैमरा सिर्फ और सिर्फ मैनुअल फोकसिंग करेगा, ऑटो फोकस नहीं करेगा। तो अगर आपके कैमरे में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो ऑटो फोकस नहीं कर पा रहा है तो इन दो स्विचेस को ध्यान से देख लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें आप माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। ये माइक को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर पोर्ट दिया हुआ है, ये आपका HDMI पोर्ट हो गया या मिनी USB। यहाँ से आप अगर अलग से पावर को सप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कनेक्ट कर सकते हो गाइस। जो इसका मोड डायल है वो यहाँ पे ऊपर इधर पे दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। अगर आपको फुली मैनुअल मोड में डालना है, ठीक है, एस मोड में डालोगे तो शटर प्रायोरिटी बोलते हैं एस मोड को, ए मोड को बोलते हैं अपर्चर प्रायोरिटी, और पी मोड को प्रोग्राम मोड। और आपको मूवी बनानी है तो मूवी बनाने के लिए आपको ये वाला जो है एम से नेक्स्ट, ये वाला। अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो एम वाले मोड में, एस मोड में और ए मोड में और पी मोड में, इनमें भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग ईजिली कर सकते हो। मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताऊंगा। पीछे अगर इसकी स्क्रीन की बात करें तो इसकी स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे टिल्ट कर सकते हो। तो जो भी आपको सेटिंग्स वगैरह करनी है इन बटन से ही करनी है। ये वाला बटन है रेड कलर का, इसको दबा के आप मूवी की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एम मोड में हो, ए मोड में हो, एस मोड में हो, उसमें भी अगर आप इसको दबा दोगे तो आपकी मूवी की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। ठीक है, अब हम बारी बारी से हर एक ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोटोग्राफी की बात करूंगा कि अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप कौन से ऑप्शंस को यूज़ करें गाइस। तो अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप इन चार ऑप्शंस को ही यूज़ कीजिए। आप देख सकते हैं एम मोड, एस मोड, ए मोड और पी मोड। तो एम मोड के बारे में पहले जानते हैं। एम मोड यानी फुली मैनुअल मोड। फुली मैनुअल मोड में आप शटर स्पीड और एपर्चर की वैल्यू को डिसाइड करते हैं और बाकी सारी चीज़ें कैमरा डिसाइड करता है। तो आपको सिर्फ शटर स्पीड और एपर्चर को सेट करना है। तो मैं बताता हूँ कैसे सेट करते हैं। तो आप यहाँ पे सामने की तरफ देख सकते हैं, एक इसमें ये व्हील बना हुआ है, ठीक है। तो आपको अपनी सेटिंग चेंज करने के लिए इसी व्हील को प्रेस करना है। तो अब हम पीछे से स्क्रीन के पास जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो पहली वाली सेटिंग है ये 1/250, ये आपकी शटर स्पीड है। तो अब वही वाला जो व्हील जो मैंने दिखाया था सामने की तरफ है, यहाँ पे देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ तो शटर स्पीड की वैल्यू चेंज हो गई। तो अगर आप जैसे 55 mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं, 18-55 वाला, तो अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो आप अपनी शटर स्पीड 1/50 या 1/60 रखें, उसमें आपको शार्प फोटो आराम से मिल जाएगी। तो जनरल रूल ये है कि जितनी आपकी फोकल लेंथ है उसकी 1/ आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए। तो अगर आपका 55 mm का लेंस है तो 1/55, 1/50 या 1/60 रखोगे तो आपको शार्प फोटो मिल जाएगा। तो मैं 1/60 रख देता हूँ शटर स्पीड, जिससे मेरे को एक अच्छा फोटो मिल जाए। अब रही बात एपर्चर की, अब एपर्चर को मैं बताता हूँ कैसे एडजस्ट करना है। तो आप ये देख सकते हैं प्लस माइनस वाला ये जो बटन दबा हुआ है, ये इस बटन को आप दबाएंगे और वही वाला जो व्हील जो आपने सामने शटर स्पीड को चेंज करने के लिए दबाया था उसको आप घुमाएंगे। तो आप देखना मैं इसको दबा रहा हूँ और साथ में वो व्हील घुमा रहा हूँ, तो आप देखो ये एपर्चर की वैल्यू F9 हो गई, F10 हो गई, F13 हो गई, ठीक है। तो इससे आप अपनी एपर्चर की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको F4.5 पे रख रहा हूँ, कम कम रख रहा हूँ ताकि
कम वैल्यू रहेगी तो ज़्यादा लाइट आएगी कैमरे में, ज़्यादा अच्छी मेरे को क्लीन इमेज मिलेगी। ठीक है, अब रही बात ये जो ISO, आप ISO को ऑटो पे डाल दो। अगर आप बिल्कुल नए फोटोग्राफर, आपको फोटोग्राफी के बारे में ज़्यादा नहीं आता, आपने नया नया कैमरा ख़रीदा है, तो ISO को आप ऑटो पे डाल दो, आपको बहुत अच्छी इमेज मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ISO को ऑटो पे आपको कैसे डालना है। ठीक है, तो आप ये FN वाला बटन दबाइए फंक्शन। ठीक है, आपने FN वाला बटन दबाया तो आप इन वाले ये जो साइड में बटन है इनको आप घुमा के इस साइड जाइए, तो आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा ISO। ठीक है, तो अगर आपका ISO 100, 200, 400 इन पे सेट है तो आप जाइए और ऑटो पे इसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो अब आपका कैमरा अपने आप ISO की वैल्यू को डिसाइड करेगा, तो आपको सिर्फ शटर स्पीड और एपर्चर को सेट करना है, बाकी चीज़ें कैमरा अपने आप डिसाइड कर लेगा। ठीक है, अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फोकसिंग आपको कैसे करनी है, क्या आपको फोकस मोड रखना है। तो उसको भी आपको सेलेक्ट करने के लिए FN वाला बटन दबाना होगा। आपने FN का बटन दबाया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में ऑटो फोकस मोड। तो अगर आपको शार्प फोटो चाहिए कि आप खुद सेलेक्ट कर पाएँ कि कहाँ पे एग्जैक्टली फोकस करना है, तो आप AF-S रख लो। मतलब इसमें क्या है कि वो एक ही जगह पे फोकस करेगा, सिंगल शॉट या सिंगल स्पॉट पे ही वो फोकस करेगा। ठीक है, इस वाले में AF-C में वो कंटिन्यूसली फोकस करने की कोशिश करेगा। नाइकॉन के कैमरा में भी एग्जैक्टली यही वाले मोड होते हैं, और ये वाला हो गया ऑटोमेटिक AF, तो इसमें कैमरा खुद ही डिसाइड करेगा क्या उसको ऑटो फोकस चूज़ करना है। तो अगर आपको अच्छे फ़ोटो लेने हैं तो आप AF-S वाले को चूज़ करो। AF-S में आपका कैमरा के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा कि आपको कहाँ पे एग्जैक्टली फोकस करना है। तो मैंने इसको AF-S में डाल दिया गया। अब मैं जाता हूँ ऑटो फोकस एरिया मोड पे, AF एरिया मोड। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले वाला मोड है ये वाला आपका हो गया ऑटोमेटिक मोड। अगर देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया तो अब ये कैमरा अपने आप डिसाइड कर रहा है कि क्या इसको ऑटो फोकस पॉइंट रखना है। तो ये इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि कैमरा कई बार जहाँ आप चाहते हो उसके बजाय कहीं और पे ऑटो फोकस कर सकता है। अब हम दूसरे मोड की बात करते हैं। दूसरे वाला मोड हो गया आपका जोन ऑटो फोकस। तो इसमें बेसिकली आपकी स्क्रीन में 1, 2, 3 जोन है। तो अगर आप मिडिल वाले जोन में फोकस करना चाहते हो तो देखो अभी हमारा मिडिल वाला सिलेक्टेड है ऑरेंज कलर से, साइड वाला हो गया आप सिलेक्टेड, या आप कोने वाला। तो अगर आप इस लाइन में कहीं पे भी ऑटो फोकस करना चाहते हो तो इधर वाला सेलेक्ट करो, सेंटर में करना है तो सेंटर वाला करो, इधर वाला करना है तो ये करो। और इसमें आपके आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसमें टोटल यार आपके 15 ऑटो फोकस पॉइंट है। ठीक है, ऑटो फोकस लेकिन इसका बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने मिडिल वाला पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है, तो मिडिल वाले जोन में इसने फोकस किया और फोटो को क्लिक कर लिया। ठीक है, अब हम अगले वाले ऑटो फोकस मोड की बात करते हैं गाइस। तो अगले वाला है आपका सिंगल पॉइंट वाला। ठीक है, तो इसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका सेंटर में ऑटो फोकस पॉइंट है वही इसमें सिलेक्टेड रहेगा। अगर आपको हमेशा सेंटर वाले पॉइंट को ही अपना ऑटो फोकस पॉइंट रखना है तो तब आप इस वाले जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट वाले में। लास्ट वाले में आप अपना ऑटो फोकस पॉइंट खुद से चूज़ कर सकते हैं। तो आप देखो देखो मैं इनको घुमा रहा हूँ तो देखो ये ग्रीन बॉक्स इधर से उधर जा रहा है, ऑरेंज बॉक्स। ठीक है, अभी ये यहाँ पे है, अब मैं इसको यहाँ पे ले आया। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिडिल में रख रहा हूँ यहाँ पे इस गिटार पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ऑटो फोकस पॉइंट को मूव कर सकते हो। तो ये वाला आपके लिए बेस्ट तब रहेगा जैसे मान लीजिए आपके फ़ोटो में बहुत सारे लोग हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे फोकस करना चाहते हैं, या फूल पौधों या पत्तों की फ़ोटो ले रहे हो, आप एक पर्टिकुलर पत्ते पे फोकस करना चाहते हो, तो तब आप ये वाला मोड चूज़ कीजिए। बहुत ईजी है ऑटो फोकस पॉइंट को मूव करना, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं कि AF वाला यहाँ पे बटन दिया हुआ है। अगर आपको मेनू में जाए बगैर आपको ऑटो फोकस पॉइंट चेंज करना है तो आप इस AF को दबाएं। AF को दबाया, आप देखो हम कहीं भी अपना ये ऑटो फोकस पॉइंट मूव कर सकते हैं। अगर हमें इस कोने में करना है तो देखो मैंने इस कोने में यहाँ पे कर दिया सोफे के इधर पे। अब देखो ये देखो ग्रीन कलर का बॉक्स इधर पे आ रहा है। ठीक है, अब मैं मान लो यहाँ पे नीचे इसको मूव करना चाहता हूँ, मैंने AF वाला बटन दबाया और मैंने इसको यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से आप अपना आउट ऑफ फोकस पॉइंट मूव कर सकते हैं। आपको शटर बटन दबाना है, फोकस लॉक करना है, फोटो क्लिक कर लेना है, बहुत सिंपल है गाइस। तो आप देख सकते हैं मैंने जोन एरिया वाला AF यूज़ किया है, तो इसको मैं इन वाले एरोस को दबा के इधर से उधर मूव कर सकता हूँ। तो मैंने इसको सेंटर में रखा है,
और मैं ये जो सामने गिटार है इसके ऊपर फोकस करूँगा। फोकस करने के लिए करना क्या है, ये जो आपका शटर बटन है जिस पे ऑन ऑफ लिखा हुआ है, इसको आप हाफ प्रेस करेंगे तो ये ग्रीन होएगा, फोकस लॉक हो जाएगा। इसको पूरा दबा देंगे तो आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ऐसा ही करेंगे, तो सामने जो गिटार दिख रहा है मैंने इसको हाफ प्रेस किया शटर को, आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया ये। अब मैंने इसको पूरा दबा दिया और मेरा फ़ोटो क्लिक हो गया, और आप देख सकते हैं फ़ोटो कितना शानदार आया है। मैं आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ ये। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके डिटेल्स निकल के आए हैं गाइस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फुली मैनुअल मोड। और आपकी ये जो सब सेटिंग्स दिख रही हैं मैं एक बार जल्दी से इनको बता देता हूँ कौन कौन सी सेटिंग है। तो आपको ये जो लॉक ऑन AF है इसको आप ऑफ रखें, ठीक है। जो फ्लैश मोड है इसको आप सेकंड नंबर पे रखें, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका स्माइल डिटेक्ट, फेस डिटेक्ट, इसको आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जब कोई स्माइल करेगा या उसका जो फेस होगा उसको देख के डिटेक्ट कर लेगा। तो अगर आप अपना काम आसान बनाना चाहते हैं ऑटो फोकस में तो आप इसको ऑन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फेस डिटेक्ट पे रखिए आप इसको, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो आप इसको रखें तीसरे नंबर पे, फेस डिटेक्शन ऑन, तो ये आपके फेस को डिटेक्ट कर लेगा इजीली। फिर आ गया ऑटो ऑब्जेक्ट फ्रेमिंग, तो इसको भी आप ऑटो पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आते हैं दूसरी तरफ, ISO को हमने डाल दिया था ऑटो पे, ठीक है। ISO को भी आप ऑटो पे डालिए। अब इसमें दो टाइप के हैं, एक है ISO ऑटो और दूसरा है ऑटो, तो आप इसको डालिए सेकंड नंबर वाले पे, ऑटो पे। फिर आपका आ गया मीटरिंग मोड। तो मीटरिंग मोड अगर आप पोर्ट्रेट फोटो शूट कर रहे हो तो आप रखिए स्पॉट, वरना आप रखिए पहले वाला मल्टी सेगमेंट, ठीक है। अगर आपके सेंटर में ही आपका मेन फ्रेम है तो आप रखें सेंटर वेटेड, ठीक है। लेकिन अधिकतर सिचुएशन में जैसे आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो, आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे हो, तब आप मीटरिंग मोड को मल्टी सेगमेंट रखिए, ठीक है। अगर आप इंडोर फोटोग्राफी कर रहे हो, किसी इंसान का फ़ोटो ले रहे हो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, तब आप स्पॉट पे रखिए, तब आपके अच्छे फ़ोटो आएंगे। और बाहर भी अगर आप किसी इंसान का फ़ोटो ले रहे हो तो स्पॉट। तो कुल मिला के अगर आप किसी इंसान का फ़ोटो ले रहे हो तो स्पॉट मीटरिंग, आपके सेंटर में ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई पौधे आप उसका फ्लावर का फ़ोटो ले रहे हो आप और वो सेंटर में है तो आप सेंटर वेटेड, और वरना अगर आप नॉर्मल लैंडस्केप वाले फ़ोटो ले रहे हो या इन जनरल फ़ोटो ले रहे हो तो मल्टी सेगमेंट वाले को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम आते हैं बाकी ऑप्शंस में। फिर आपका आ गया फ्लैश कॉम्पनसेशन, इसको आप ज़ीरो रखिए। अगर आप इसको बढ़ा दोगे और जब आप फ्लैश को फायर करोगे तो आपके फ्लैश की पावर थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। अगर आप इसको नेगेटिव में रखोगे तो फ्लैश को जब आप यूज़ करोगे तो फ्लैश की पावर आपकी थोड़ी कम रहेगी। फिर हम आते हैं वाइट बैलेंस में। वाइट बैलेंस को आप AWB यानी ऑटो वाइट बैलेंस पर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आ गया DRO ऑटो HDR, तो इसको भी आप DRO ऑटो पर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर HDR ऑटो पर डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको सेकेंड नंबर पे डालता हूँ, ठीक है। वैसे अगर आप कुछ भी ना भी करो, ऑफ़ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन मेन्यूज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की। फिर आपका जो क्रिएटिव स्टाइल है आप इसको स्टैंडर्ड रखो। अगर आप स्टैंडर्ड नहीं रखोगे तो देखो विविड और ये पोर्ट्रेट और ये काफ़ी सारे आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे, तो आप इसको स्टैंडर्ड में शूट करो। बाद में आपको कोई करेक्शन करना है तो आप अपने लैपटॉप में जाके कर सकते। फिर हम आते हैं पिक्चर इफेक्ट, तो इसको भी आप ऑफ रखो वरना ये बहुत सारे इसमें इफेक्ट होते हैं, हमें कोई इफेक्ट यूज़ नहीं करने हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन की, एस वाले की। तो जब आपका कैमरा एस मोड में होता है तो आप शटर स्पीड को सेट करते हो और ISO और आपकी जितनी बाकी चीज़ें हैं अपर्चर वगैरह कैमरा अपने आप डिसाइड कर लेता है। तो अगर आपको कैमरे को एस मोड में आपने डाल दिया है तो अब आपको सिर्फ शटर स्पीड को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कैमरे पे लिखा भी हुआ है शटर प्रायोरिटी एडजस्ट द शटर स्पीड फॉर डिफरेंट इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम शटर स्पीड को कैसे सेट करेंगे, जो ये सामने डायल है इसी डायल से हम इसको, ये वाला जो डायल है इसको घुमा के हम शटर स्पीड को सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब मैं जैसे ही इस डायल को घुमाऊंगा देखो शटर स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि मैं 55mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ, 1855 वाला, ठीक है। तो मैं इसकी शटर स्पीड
1:60 रखूँगा, क्योंकि उसमें मेरे को एक शार्प इमेज मिल जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कैमरा अपने आप डिसाइड कर रहा है कि क्या अपर्चर रखना है, हमें सिर्फ शटर स्पीड को सेट करना है। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैं 1:60 को रख देता हूँ शटर स्पीड, और कैमरे ने अपने आप F4 को डिसाइड कर लिया। अब हमें करना क्या है, सिंपली शटर बटन को दबाना है। देखो सेंटर वाले पे मैंने फोकस किया और इसने फ़ोटो को क्लिक कर दिया, और बढ़िया फ़ोटो आ गया, एकदम परफेक्टली एक्सपोज है। जूम करके हम देख लेते हैं फ़ोटो को। देखो आप जूम करके देख सकते हैं, एकदम बढ़िया क्लियर और शार्प फ़ोटो हमारा आ गया है। तो ये तो आपका हो गया शटर प्रायोरिटी मोड। अब हम बात करते हैं अपर्चर प्रायोरिटी वाले मोड की। अपर्चर प्रायोरिटी में करना क्या है, हमें इस वाले को ए मोड पर डाल देना है, ठीक है। तो हमने इसको डाला ए पे, अब देखो ए पे आ गया। अब हमें अपर्चर को सेट करना है, कैसे करेंगे, जिस डायल से हमने शटर स्पीड को सेट किया था उसी को घुमा के हमारा अपर्चर सेट होगा। देखो अपर्चर की वैल्यू चेंज हो रही है, मैं सामने से डायल को घुमा रहा हूँ, 3.5, 4.5। तो अपर्चर की वैल्यू आपको उस हिसाब से रखनी है कि आपको कितना बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा चाहिए अपने फ़ोटो में तो आप इसकी वैल्यू को कम रखें। अगर आप चाहते हो कि आपका फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों फोकस में रहें, यानी कि बैकग्राउंड ब्लर कम हो, तब आप इसकी वैल्यू को ज़्यादा रखें। तो अभी के सिनारियों में यार हम इसकी वैल्यू रखते हैं F5। F5 पे हम फ़ोटो को क्लिक करते हैं, और देखो इसने शटर स्पीड अपने आप डिसाइड कर ली 1:40। तो हमने सिर्फ अपर्चर को सेट किया है, ISO शटर स्पीड कैमरा अपने आप डिसाइड कर रहा है। अब मैं देखो अपर्चर को बढ़ा रहा हूँ, तो देखो शटर स्पीड की वैल्यू भी ये अपने आप चेंज कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपर्चर प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है। तो मैंने इसको ऐसे दबाया और फ़ोटो क्लिक हो गया, और फ़ोटो एक बार फिर काफ़ी अच्छा शार्प आया है गाइस। तो अब मैंने बता दिया ये सारे मोड आपको। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको मूवी रिकॉर्डिंग करनी है तो गाइस यही मोड आप मूवी रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अभी देखो हम अपर्चर प्रायोरिटी वाले मोड में हैं, तो जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा मूवी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं REC रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, देखो टाइम भी इसमें चल रहा है, आप ध्यान से देखो, ठीक है देखो। और अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, इसी बटन को दबा के मेरे को स्टॉप करना है। अब वापस से मैं लेट से कि इसको S मोड में डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको S मोड में डाला, शटर स्पीड को मैंने सेट कर दिया, शटर स्पीड को मैं 50 सेट करूँगा, क्योंकि जब आप घर के अंदर यार वीडियो शूट करते हो आर्टिफिशियल लाइटिंग में, तो आपकी शटर स्पीड 1:50, 1:100 ऐसी होनी चाहिए, वरना आपका लाइट का फ्लिकर आएगा। ये मैं बाकी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान और यूरोप में 50 हर्ट्ज़ पे इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो फ्लिकर वाला इफेक्ट ना आए आपकी वीडियो में, तो आप शटर स्पीड को 1:50, 1:100 कुछ तो ऐसे रखो, ठीक है। तो मैंने 1:50 रखी शटर स्पीड, और अपर्चर ये अपने आप डिसाइड करेगा। और मैंने सिर्फ ये रिकॉर्डिंग वाला मूवी वाला जो बटन है जिस पे मूवी लिखा हुआ है रेड बटन दबाया, और देखो मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप मूवी वाले मोड में हो, ये वाला जो मोड है, ये जो M के बाद बना हुआ है मूवी वाला मोड, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी वाले मोड में हो। अगर आपको मूवी को रिकॉर्ड करना है तो आप M, S और A इन मोड में भी आप मूवी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको डालता हूँ फुली मैनुअल मोड में, जिसमें हमने सबसे पहले फ़ोटो खींचा था, देखो अब हम M मोड में आ गए, ठीक है। तो अब मैंने शटर स्पीड को 1:50 सेट कर दिया, और अपर्चर को सेट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था ये प्लस माइनस वाला बटन, ये, और देन मैंने अपर्चर की वैल्यू को एडजस्ट कर दिया। तो अपर्चर की वैल्यू मैंने F4.0 को सेट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो मेरी मूवी की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि अगर आपको मूवी वाले मोड को यूज़ करना है, उसमें आपको मैनुअल एक्सपोजर यूज़ करना है, तो आप कैसे करें। तो आप जाइए यहाँ पे, पहले तो मूवी को स्टॉप कर दीजिए। तो अब हम इसको डालते हैं मूवी मोड पे, ठीक है, ये मूवी मोड पे आ गया। अगर हम इसको FN को दबाएंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मूवी में ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो अभी ये बोल रहा है इनवैलिड व्हेन AF MF सेलेक्ट इज सेट टू ऑटो फोकस अवेलेबल विद मैनुअल फोकस। तो बेसिकली अब अगर आप देखो शटर स्पीड चेंज करना चाहोगे, नहीं हो रही, मैं ये दबा रहा हूँ नहीं हो रही। एपर्चर को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इस प्लस माइनस को दबा के, एपर्चर भी चेंज नहीं हो रहा है गाइस। और यही वाली जो प्रॉब्लम है
हमारे एक सब्सक्राइबर है वायरल रील 007 वो फेस कर रहे हैं। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ गाइस। ये जो कैमरा है इसमें आप इस वाले मोड में, जब आप मूवी वाले मोड में हैं उसमें आप एपर्चर और शटर स्पीड को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको तब चेंज कर पाएंगे जब आप इस वाले लेंस को MF पे डालेंगे। तो अब देखो मैं इसको MF पे डालता हूँ लेंस को, ठीक है। अब ये MF पे आ गया, अब मैं इसको FN को दबाता हूँ और मूवी में अब देखो मैं इनमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ, मैनुअल एक्सपोजर, शटर प्रायोरिटी, एपर्चर प्रायोरिटी या प्रोग्राम ऑटो, ठीक है। जब आप उसको ऑटो फोकस वाले मोड में रखते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम ऑटो पे ही उसको सेलेक्ट करता है, और अगर आपने वाला ऑप्शन कैमरे ने वो चूज़ कर लिया प्रोग्राम ऑटो, तो तब आप ना तो एपर्चर को चेंज कर पाओगे ना शटर स्पीड को चेंज। तो अगर आपके कैमरे में आप शटर स्पीड और एपर्चर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो गैस आप अपने लेंस को देखिए, उसको MF पे डालिए, ठीक है, तभी आप अपनी शटर स्पीड और एपर्चर को चेंज कर पाएंगे। आप देखो मैं इसको FN पे गया और मैं डालता हूँ इसको M पे, ठीक है, मैं M पे आ गया। अब मैं देखो आगे वाला जो डायल घुमा रहा हूँ, देखो शटर स्पीड चेंज हो रही है, अब 1/320 हो गई, ठीक हो रही है ना चेंज, मैंने इसको 1/50 पे सेट कर दिया। अब मेरे को देखो इसकी F की वैल्यू को चेंज करना है, तो मैं ये प्लस माइनस वाला जो बटन है ये वाला इसको दबाऊंगा, देखो 5.6, 6.3, 8.0, देखो एपर्चर की वैल्यू हुई ना चेंज। तो आ गया आपको समझ में कैसे इसको चेंज करना है, ठीक है। अब मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ अगर आपको मूवी शूट करनी है गाइस। गाइस इसमें ये जो आपको मोड डायल दिया गया है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। तो अगर आपने इसको मूवी वाले मोड में डाल दिया है तो फिर आप मैनुअल कंट्रोल मूवी में, मतलब कि शटर स्पीड और एपर्चर को सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज कर पाओगे गाइस जब आप अपने लेंस को मैनुअल फोकस में डालोगे। लेकिन अगर आपने अपने लेंस को मैनुअल फोकस में डाल दिया तो फिर आप अच्छे से ऑटो फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आप एक बिल्कुल नए नए फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हैं तो तब आपको इतना अच्छे से मैनुअल फोकसिंग करनी नहीं आएगी और आप फोकस को हिला सकते हो, अच्छे से आपका फोकस सेट नहीं होगा, आपकी वीडियो ख़राब हो जाएगी। तो हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो में फोकस भी अच्छा रहे, ऑटो फोकस भी काम करे और हम सारी सेटिंग को यूज़ कर पाएँ। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वाले मोड को, ये मूवी वाले मोड को यूज़ ही मत करें। अगर आपको मूवी रिकॉर्ड करनी है, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आप इसको M मोड पे डालें, ठीक है। M मोड पे डाल के आपको जो मर्जी शटर स्पीड सेट करनी है, जैसा मैंने बताया था, देखो मैंने इसको M मोड पे डाला, देखो मैंने शटर स्पीड को 1/60 कर दिया, ठीक है, या 1/100 कर देते हैं शटर स्पीड, और एपर्चर की वैल्यू को इस वाले बटन को दबाया मैंने प्लस माइनस, और देखो एपर्चर की वैल्यू को भी मैंने F5 कर दिया, ठीक है। और अब मेरे को मूवी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, करना क्या है, कुछ नहीं करना गाइस, ये जो ऊपर बटन दिख रहा है मूवी वाला रेड कलर का, इसको दबा दो, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप उस चक्कर में पड़ो ही मत। अगर आप इस वाले ऑप्शन को यूज़ करोगे गाइस तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप इस वाले मूवी मोड में जाओगे बिना बात के, आपको इसको मैनुअल फोकस पे डालना पड़ेगा अपने लेंस को। तो गाइज मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको मूवी की रिकॉर्डिंग क्वालिटी सेट करनी है कि किस क्वालिटी में रिकॉर्ड हो, तो उसके लिए आपको जाना है मेनू में, मेनू में चाहिए, और ये जो रिकॉर्ड सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें चाहिए, और आपको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन चूज़ करना है 50i17M, और जो फाइल फॉर्मेट है आप इसको AVCSD सेलेक्ट कीजिए। अगर आप इसको MP4 सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, वो फुल HD के बजाय सिर्फ HD हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको AVCSD वाला फॉर्मेट में सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपने ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, अगर आपने इसको ऑफ़ कर दिया तो आपका कैमरा आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो इसको ऑन ज़रूर करके रखना। और ये जो विंड नॉइज़ रिडक्शन है इसको ऑफ रखना, वरना अजीब सी हो जाती है आपकी आवाज़, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो आपके ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन वगैरह है, अगर ये सेट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ईज़िली ये कैमरा ऑपरेट करना आ गया होगा, फोटोग्राफी के लिए भी और वीडियोग्राफी के लिए भी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इस कैमरे में अगर वीडियो बना रहे हैं तो ये वाला जो मोड है इसको मत यूज़ करना गाइस,
आपको वीडियो बनानी है उसको एम एस या ए इन मोड में बनाओ, बल्कि एस वाले में भी बना सकते हो आप, लेकिन मैं कहूँगा कि एम मोड में बनाओ, एम मोड बेस्ट है। एम मोड में आप शटर स्पीड को सेट करना है, अपर्चर को सेट करना, आईएसओ कैमरा अपने आप ले लेगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला बटन दबाना है फोकस करके, और आपकी बढ़िया मस्त रिकॉर्डिंग हो जाएगी वीडियो की, ठीक है। आई डोंट नो कि क्यों इन्होंने, सोनी वालों ने ऐसा अजीब सा ये बनाया है मोड, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं वो अपने कैमरे को कि यार ये मूवी रिकॉर्ड करने के लिए है, इस वाले मोड में डालते हैं, फिर वो शटर स्पीड और अपर्चर को सेट ही नहीं कर पाते, फिर आपको उसको सेट करने के लिए बेवजह इसको आपको मैनुअल फोकस में डालना पड़ता है, फिर फ़ायदा क्या हुआ? ऑटो फोकस कैमरा लेने का फ़ायदा क्या हुआ अगर आपने इसको मैनुअल फोकस में ही यूज़ करना है? तो इसलिए जो मैंने बताया, आप एम वाले मोड में डालिए, शटर स्पीड और अपर्चर को सेट कीजिए, और बढ़िया एकदम मस्त रिकॉर्डिंग आपकी वीडियो की होगी गाइस, कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत ही सिंपल कैमरा है यार ये यूज़ करने में, और बहुत अच्छे फ़ोटो लेता है, बहुत अच्छी वीडियो भी बनाता है गाइस। और जिस प्राइस रेंज में आपको ये कैमरा मिल जाता है, जितनी फ़ीचर्स आपको इस कैमरे में मिल जाती है, आई थिंक कैनन और नाइकॉन में भी आपको इतनी फ़ीचर्स नहीं मिलेगी इस प्राइस रेंज में, इतना अच्छा कैमरा। इस कैमरे के अंदर आपका इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन भी है, सेंसर आपका ऊपर नीचे हिल के जो आपका कैमरा शेक होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है, तो उस हिसाब से यार बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो फीचर है ये आपको 1.5 लाख 2 लाख वाले कैमरों में मिलती है गैस। तो गैस वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या सोच रहे हो, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।